अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा पांडा फाइकस का प्लांट है और हम इस प्लांट का बॉन्साई बनाने वाले हैं। और आज हम इस प्लांट पर ग्राफ्टिंग करेंगे एक मूवी फाइकस के प्लांट की। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मूवी फाइकस का प्लांट है और हम इस प्लांट की जो है वो अपने इस पांडा फाइकस के प्लांट पर ग्राफ्टिंग करेंगे, यहाँ पर इस वाली ब्रांच पर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ग्राफ्टिंग करने के लिए जो हमें ब्रांच चाहिए हम वो देख लेते हैं। तो हम ये वाली ब्रांच लेंगे, इस शाख को जो है वो यहाँ पर से रिमूव कर लेते हैं। तो इसे रिमूव करने के लिए हम इस कटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर से इसको रिमूव कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन ओल्ड लीव्स को अपनी इस ब्रांच से हटा लेते हैं इस तरीके के साथ। अब हम इसको यहाँ पर जो है वो कट लगाएंगे हल्का सा, कुछ इस तरीके से। तो अभी हमने इस ब्रांच पर दोनों तरफ जो है छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। तो अभी बारी है हमारी दूसरे पांडा फाइकस के ब्रांच की। तो दोस्तों, ये वाली वो ब्रांच है जिस पर हम ये ग्राफ्टिंग लगाएंगे। तो इसे भी हम ऊपर से कट कर देते हैं यहाँ पर से। अभी इस पर से जो सारी लीव्स हैं इन्हें हटा लेना है इस तरीके से। तो हमने सारी लीव्स को इस पर से हटा दिया है। तो दोस्तों, अभी हम इस पर जो है वो छोटा सा कट लगाते हैं यहाँ पर। तो अभी हम इस पर भी यहाँ पर जो है एक छोटा सा कट लगा देते हैं ताकि इसके अंदर जो है हम अपनी दूसरी ब्रांच को लगा सकें। तो इस पर भी हमने जो है वो कट लगा लिया है। तो अभी दोस्तों, हम अपनी इस वाली ब्रांच को जो हमारे मूवी फाइकस प्लांट की है इसे भी यहाँ पर जो है लगा देना है इस तरीके से। अभी इसको जो है यहाँ पर से बांध देना है। तो दोस्तों, अभी हमारा ये काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अब हम इस वाली ब्रांच को थोड़ा ऊपर से जो है यहाँ पर से कट कर देते हैं इस जगह से। और अभी भी जो है हमारे पास तीन से चार ब्रांचेज जो कि इस पर से निकल सकती हैं, एक यहाँ पर, एक इस तरफ, और एक ये है, और एक इस वाली लीव्स के साथ है। ये आप देख सकते हैं, इस लीव को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो है तीन चार ब्रांचेज इसमें से आएंगी। तो अभी हमारा ये काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपना, अपने प्लांट्स का और अपने वालदैन का खूब ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।